तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है। कहता है अंडर द लोड ए वायर हैविंग लेंथ, मतलब अगर कोई वायर है और उसमें लोड अप्लाई करते हैं, दिस इज द वायर एंड इट वायर अप्लाई ए लोड, यहाँ से लोड अप्लाई करते हैं और यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो 5.0 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए 2.5 × 10⁵ m² ठीक है। तो ये वायर ए है और इस वायर की यहाँ से तुम देखोगे वायर लेंथ है और एरिया स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट अनदर वायर अब बी और जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेशियो ऑफ एंग्स मॉडुलस। तो अगर देखोगे तो रेशियो ऑफ एंग्स मॉडुलस पूछा जा रहा है। तो ये वायर ए है और दूसरा यहाँ पर वायर है जिसका जो है लेंथ है, यहाँ पर देखो इस पे सेम अमाउंट ऑफ, इस पे फोर्स एफ लगा रहे हो तो इस वाले वायर पे भी फोर्स एफ लगा रहे हो, लेकिन इसका जो लेंथ है वो अलग है, इसका लेंथ 6 मीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁵ है। तो एंग्स मॉडुलस का रेशियो पूछ रहा है। तो तुम देखो कि यहाँ से एंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल के इक्वल होता है ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से बात करोगे तो एंग्स मॉडुलस प्रोपोर्शनल आ जाएगा एरिया, एंग्स मॉडुलस प्रोपोर्शनल आ जाएगा लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जो एंग्स मॉडुलस आई है फोर्स की वैल्यू सेम है और लेंथ की वैल्यू अलग है, लेकिन इसमें ये भी कहा है कि अंडर द सेम लोड एंड क्रॉस स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, स्ट्रेच यूनिफॉर्म बाय सेम अमाउंट, मतलब जो इलोंगेशन है यहाँ पर तुम देखोगे अच्छे से तो सेम अमाउंट इलोंगेशन है ये वाली चीज। तो अगर सेम अमाउंट इलोंगेशन है तो बड़े आराम से हम रेशियो निकाल लो। तो चलो इसको हम लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ से रेशियो तुम देखोगे तो वाई ऑफ वायर ए ऑफ वाई ऑफ वायर बी, तो यहाँ से लेंथ ऑफ वायर ए और लेंथ ऑफ वायर बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यहाँ से ए। तो लेंथ, अगर लेंथ देखोगे तो भाई लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 5/6 और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ यहाँ से एरिया क्रॉस सेक्शन बी 3 × 10⁵ और एरिया ऑफ बी तुम देखोगे यहाँ से तो एरिया फिर तो 2.5 × 10⁵। तो 10⁻ ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 टाइम्स कट गया ठीक है। तो 8×20 = 5 आ गया तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ एंग्स मॉडुलस ऑफ ए और एंग्स मॉडुलस ऑफ बी की जो वैल्यू है वो 1:1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे 1:1 मतलब ये सेकेंड ऑप्शन सही है और ये सारा अपना गलत है। तो आई होप ये को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।